उसके बाद भी नहीं सुना गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और गंभीर आरोप विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनेश फोगाट के मुद्दे पर संसद में जेपी नड्डा बोले हैं, पूरा देश विनेश के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा, आपको बता दें जेपी नड्डा ने ये कहा कि पूरा देश जो है इस समय विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ है। विनेश के साथ जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए जिस तरह से विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसके बाद विनेश फोगाट ने आज सुबह 5:17 पर एक पोस्ट किया और अब इसको लेकर राज्यसभा में भी गूंज सुनाई दी। जेपी नड्डा ने कहा कि हम सब उनके साथ हैं। ये भारतीय खेल की को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता सारे देश को लगता है, कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है, इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री